Reliance Commercial Finance presents Self-Reliance Mantras. Succession Planning and Business Continuity. दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। मतलब अगले 5, 10 या 15 सालों तक बिजनेस में ग्रोथ और कंटिन्यूटी कैसे बनी रहे इसके बारे में। मगर आपके पास एक सवाल होगा कि भैया बिजनेस में अगले साल क्या होने वाला है इसकी गारंटी नहीं है, मैं 5, 10, 15 साल की प्लानिंग कैसे कर लूं? तो इस बात को एक लंबी यात्रा के नजरिए से देखते हैं। समझ लीजिए आपको किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना है फैमिली के साथ, तो आप खूब प्लानिंग करेंगे, फ्लाइट कौन सी लेनी चाहिए, होटल कैसा होना चाहिए, कमरा कैसा होना चाहिए, हॉलीडे पर मेडिकल इमरजेंसीज हुई तो क्या करेंगे, अगर कोई गुम गया तो फिर कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढेंगे, वगैरह वगैरह। ये प्लानिंग करने से आप कोई भी इमरजेंसी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक। सो वैसे ही बिजनेस भी एक लंबा सफर है और इसे कंटिन्यू रखना आवश्यक है। इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली है रेजिलियंस, यानी सहने की क्षमता। बिजनेस में कोई ना कोई चुनौती तो आती ही रहेगी, उन सबको झेलने की क्षमता बिजनेस में होनी चाहिए। जैसे एक हवा का तेज झोंका साइकिल को हिला सकता है लेकिन ट्रक को नहीं, ठीक वैसे ही अपने बिजनेस को इतना मजबूत बनाइए कि वो छोटी मोटी तकलीफों से डगमगा ना जाए। दूसरा है रिकवरी, यानी ठीक हो जाना। जैसे एक स्वस्थ शरीर चोट लगने के बाद भी जल्दी से ठीक हो जाता है, वैसे ही बिजनेस को इतना स्वस्थ रखें कि कोई भी तकलीफ के बाद वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तीसरा कंटिंजेंसी, यानी रेडीनेस। एक कंपनी को अनचाहे और अनदेखे स्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए और एक अच्छा प्लान भी तैयार रखना चाहिए। जैसे कि अचानक ही अगर आपके मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट से इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ते मिलने लगे तो आप क्या करेंगे, इसका प्लान पहले से आपके पास होना चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, सक्सेशन प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार। चाहे पुराने जमाने के राजा महाराजा हों या आजकल के मॉडर्न बिजनेस, सही उत्तराधिकारी से मिलती है एक अच्छे फ्यूचर की गारंटी। सक्सेशन प्लानिंग यानी उत्तराधिकारी चुनते वक्त 3 चीजें मैटर करती हैं, सीनियर मैनेजमेंट, सक्सेसर की काबिलियत और सक्सेसर का इंटरेस्ट। और आपको सिर्फ बिजनेस ओनरशिप के लिए ही नहीं, सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी लोगों को तैयार करना होगा। वरना कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक सीनियर के जाने से पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिल जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी से काबिल जूनियर्स को तैयार करें ताकि वो भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सके। आपके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बिजनेस में आ तो जाएंगे, पर क्या वो बिजनेस संभालने के और बढ़ाने के काबिल हैं? इसलिए कम उम्र से ही अपने बच्चों को बिजनेस ट्रेनिंग, फाइनेंशियल नॉलेज इत्यादि समझाना शुरू कर दीजिए। इंटरेस्ट और सक्सेसर का मतलब क्या आपके उत्तराधिकारी को आपका बिजनेस चलाने में इंटरेस्ट है? समझ लीजिए आपकी मिठाई की दुकानें हैं पर आपके बच्चों ने MBA कर लिया है और उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, ना कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। इस संभावना के बारे में आपको पहले से सही पता होना चाहिए ताकि आप किसी और को ट्रेन कर सकें और अपने बच्चों का MBA खत्म होने तक बेवजह इंतजार ना करें। हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो शुरू तो हुई एज ए फैमिली कंपनी पर बाद में सही सीनियर मैनेजमेंट और सक्सेशन प्लानिंग की वजह से मजबूत प्रोफेशनली मैनेज कंपनी के रूप में उभर के आई हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की सोचिए, आपके बाद आपकी कंपनी का क्या होगा इसकी प्लानिंग अभी से करने में समझदारी है। ऐसी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग इंडिया और रहिए सेल्फ रिलायंट। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, सेल्फ रिलायंस मंत्रास। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट।